कैसा फेस्टिवल का आयोजन हुआ अभी? यहाँ हीरो का शोरूम खुला है अभी नया, फेस्टिवल ग्राउंड रोड, आदित्य हीरो का ब्रांच है। क्या मोटरसाइकिल का है? मोटरसाइकिल का शोरूम है चरपोखरी में, नया खुला है। कौन कौन से अवेलेबल है आपके पास मोटरसाइकिल? सारे मोटरसाइकिल का जितना रेंज है सब मिलेगा। हीरो हीरो के सारे रेंज आपके पास? सारे रेंज। अभी 1 जनवरी को आर्यन ऑटोमोबाइल के नाम से खुल जाएगा, फिलहाल अभी 3 महीने तक आदित्य हीरो का ही ब्रांच से चलेगा। क्या फाइनेंस पे भी अभी दे रहे हैं? का 90% तक फाइनेंस का सुविधा है। फाइनेंस पे भी गाड़ी अभी डिलीवर होगा? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। अपना आप परिचय? नाम एमडी आसिफ नाम है मेरा। आदित्य हीरो? आदित्य हीरो से कनेक्ट है। चरपोखरी जाएगा। पिताजी का नाम? ये फटा देते हैं सर, आप लोग अपने लिए कर लीजिए। नदी का ठीक दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता। 4-5 किलोमीटर नदी का ठीक दिखाई देगा, इसके बाद एक मुंह कटा हुआ किधर है? नीचे में। इसका किधर है? इधर में। इसका किधर है? दिखाई दे रहा है या नहीं? दिखाई दे रहा है, लेकिन कटा हुआ नहीं दिखा रहा है। कटा हुआ दिख रही है ना? अभी कुछ आता है? आपका कुछ कमी नहीं? ये बुनियाद संजीवनी सेवा, ये जो गाड़ी है, ये क्या क्या सुविधा मिलता है इसमें? इसमें हम लोग 2-3 पेशेंट को देख रहे हैं अभी, वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेशेंट के लिए है। सरकार की तरफ से, वर्ल्ड बैंक के WHO की तरफ से है, ये चला रही है। हमारे नीतीश जी जो है, हमारे जो भी बिहार सरकार हैं उनके थ्रू चल रही है, उनके मिली से। और ये वृद्ध, विधवा और दिव्यांग, वृद्ध के लिए उम्र 60 साल से ऊपर होनी चाहिए, विधवा के लिए 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, दिव्यांग के लिए कोई उम्र नहीं, उम्र सीमा नहीं है। क्या क्या उनका देखा जाता है सारा? वही उनका देखा जाता है, कान का है, आँख का है और दर्द के लिए है। फिजियोथेरेपी हम लोग करते हैं, कान आँख और दर्द का, यही तीन इलाज है। दवा भी मिलता है क्या यहाँ पर? नहीं, दवा नहीं मिलती है, हम लोग मशीनों से इलाज करते हैं। और जहाँ तक होती है, इसमें फिजियोथेरेपी में दवा की जरूरत होती नहीं है। आँख में? आँख में दवा नहीं मिलती है, रेफर, अगर उस तरह की जरूरत होती है तो रेफर करते हैं हम लोग सदर हॉस्पिटल में। तो आखिर यहाँ पे जो मरीज आपके पास दिखाते होंगे, जैसे मान लेते हैं कान का दिखाए या आँख का दिखाए, तो उनका दवा फिर कहाँ मिलता है, कहाँ से वो दवा लेते हैं? वो सदर हॉस्पिटल या जो भी है प्राथमिक हॉस्पिटल, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र जो है, वहाँ से उनको दवा उपलब्ध हो जाती है। जी जी जी। अपना परिचय? मेरा नाम अक्षय कुमार हुआ, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, नोखा ब्लॉक में, मैं बुनियाद केंद्र का MTB का इंचार्ज हूँ।